हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आइए सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, शाम के टाइम कितनी धुंध हो रखी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी ठंड हो रही थी। तो मैं और अर्जुन आए थे नीचे क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था बाहर से, तो हम इसके पापा का वेट कर रहे थे। तो वो पता नहीं अभी तक आए नहीं थे, हमें तो बोल दिया कि मैं आ गया हूँ। तो हम दोनों ऐसे वॉक करते 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 सोसाइटी के बाहर आ गए थे, बट वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। ऊपर से उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। तो बस फिर हमने सोचा चलो थोड़ी देर अंदर जाके वेट कर लेते हैं। इतनी देर में उनका उधर से फ़ोन आ गया, तो बोले कि बस मैं आ ही रहा हूँ, ये देखिए वो आ भी गए हैं। तो वो बोले चलो मैं अंदर चलता हूँ, वहीं से बैठ जाना। तो ये आ गए थे अंदर, तो यहाँ पे पहले अर्जुन बैठ गया, उसके बाद मैं भी बैठ गई। तो बस थोड़ा सा काम था वो करना था, और उसके बाद हम लोग ने सोचा चलो कि कुछ खा भी लेंगे। इस बहाने से मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा था कि कुछ लोग कुछ चाट पकौड़ी खा लेते हैं। चाट पकौड़ी तो खैर हम नहीं खाते ज़्यादा, लेकिन मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो हमने सोचा चलो गोलगप्पे ही खा लेते हैं। यहाँ पे अर्जुन की अलग ही फरमाइश चल रही थी कि मुझे स्टेशनरी में पता नहीं कौन कौन सी पेंसिल इसके लिए लेना था। इसका हमेशा से यही रहता है, रोज़ नई स्टेशनरी, रोज़ नई पेंसिल ये इसको चाहिए होती हैं। तो चलिए उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया गोलगप्पे खिला रहे थे, लेकिन हमें गोलगप्पे उतर के खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा नहीं है, कोई बड़ी बात मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ना अपने हाथ से खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जबकि लोगों को खड़े होकर खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं खा रही क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था। देखिए आपको वीडियो से भी दिख रहा होगा कितना ब्लर ब्लर और कितनी धुंधुन सी दिख रही थी। तो मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया आप मुझे कार में ही अंदर दे देना। तो मैं अपने गोलगप्पों का वेट कर रही थी। तो मैंने सूजी और आटे के 3 प्लेट मंगाए थे दोनों मिक्स करके। तो यहाँ पे देखिए मेरे गोलगप्पे आ चुके हैं, और पानी इन्होंने इस तरीके से जो बॉल होता है जो जिसमें टिक्की करके देते हैं उसमें करके उन्होंने मुझे दे दिया है। तो यहाँ पे बस मैं उसे ही सेट कर रही थी क्योंकि बड़ा सॉफ्ट सा होता है, कहीं बिखर ना जाए। तो गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी थे, 1 प्लेट मेरे आगे भी रखे हुए थे, तो मैं इसका पानी थोड़ा सा पी रही थी जिससे कि बिखर ना जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए, बहुत ही टेस्टी थे गोलगप्पे। बहुत लोगों को पसंद होते हैं गोलगप्पे, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी मुझे गोलगप्पे दिख जाते मैं ज़रूर खाती हूँ। उसके बाद गोलगप्पे खाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे बुक स्टॉल्स पे। तो यहाँ पे अर्जुन को अपनी कुछ बुक्स ना जिसे एक्सचेंज करनी थी, मतलब जो उसने पढ़ ली थी रीडिंग, मतलब सिर्फ रीडिंग के लिए भी यहाँ पे मिल जाती है, तो उसने पुरानी वाली दे दी थी, दूसरी कुछ बुक्स उसने ली थी रीडिंग करने के लिए। मैंने भी यहाँ से एक बुक ली थी, बहुत अच्छी थी वो बुक। तो यहाँ से बस काफ़ी सारी नई नई बुक्स आ गई थी भैया के पास में, तो हम वहीं देख रहे थे। उसके बाद ठंड काफ़ी हो रही थी, तो देखा एक भैया मूंगफली वाले थे जो मूंगफली बेच रहे थे, तो सोचा चलो कुछ गरम गरम मूंगफली भी इनसे ले लेती है। और उन्होंने ना मूंगफली पर जो नमक सा डाल रखा था वो भी बड़ा टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर हमने अपनी मूंगफली ली, और मूंगफली खाते खाते हम वापस से कार में आके बैठ के और घर जाने लगे। तो मूंगफली बहुत ही टेस्टी थी, जब गरम गरम भुनी भुनी मूंगफली खाते ना तो अलग ही टेस्ट आता। उसके बाद मैंने घर पे पुलाव बना लिया था, तो यहाँ पे हम खा रहे थे पुलाव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर।